हेलो दोस्तों, आपने अगर नवंबर 2020 के बाद ऑनलाइन वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया या तो ऑनलाइन करेक्शन के लिए अप्लाई किया या तो आप वोटर आईडी का पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे वोटर आईडी कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रणव और स्वागत है आपको डिजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम अपना लैपटॉप के स्क्रीन में चला जाएंगे और आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे गूगल ओपन करके रखा हुआ है। गूगल में हम एक वेबसाइट सर्च करूंगा, www.nvps.in, nvps.in। अभी दोस्तों आप यहाँ पे कुछ सर्च रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, इनमें से जो पहला सर्च रिजल्ट आ रखा है nvsp.in, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो nvsp.in के ऊपर क्लिक करने के बाद एक नया पेज आपके सामने खोल जाएगा। तो यहाँ पे एक लॉगिन ऑप्शन आप कोने में दिखाई देगा, तो उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। यूजर नेम पासवर्ड एक कैप्चा कोड डाल के लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। आपने अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है, डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज न्यू यूजर, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। रजिस्टर एज न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करने के बाद यह पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना होगा, यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो एक ओटीपी वहाँ पे जाएगा और ओटीपी यहाँ पे डालने के बाद ये चीज़ें डालने को आपको ईपिक नंबर डालना पड़ेगा। ईपिक नंबर मतलब वो है जो आपका वोटर कार्ड के ऊपर लिखा हुआ रहता है, वोटर नंबर। आप अगर हाल फिलहाल में ही वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया है, वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया है, तो आपका मोबाइल में वो मैसेज आ गया होंगे। और नहीं तो आप जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्टोरल रोल है, वोटर लिस्ट है, वहाँ से भी आपका नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपका एंटर करना पड़ेगा, एक पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, फिर कंफर्म पासवर्ड, फिर रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो होने के बाद आपको लॉगिन पेज में दोबारा से जाना है। अभी हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और लॉगिन पेज में चला जाएंगे। अभी ये लॉगिन पेज में हम यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड और ये यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिखाई देगा तो उसको यहाँ पे डालना होगा। तो डाल के लॉगिन, एक बार पहले मैं बता देना चाहूंगा, जो लोग 2020 से पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड करके रखा है उनका अभी फिलहाल डाउनलोड नहीं कर पाएगा। वो जो 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन किया है या तो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेट किया है, वही लोग यहाँ पे वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं, ई वोटर आईडी। चलिए अभी हम लॉगिन हो लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ये है, ई ईपिक डाउनलोड। तो इलेक्शन कमीशन का जो वोटर आईडी है वो डाउनलोड करने के लिए इस ऑप्शन के ऊपर हमारे को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे एक नया पेज यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, आई हैव ईपिक नंबर और फॉर्म रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर वो होता है जो अप्लाई करके रखा है तो उसका फॉर्म का नंबर एक आता है, तो वही रेफरेंस नंबर होते हैं। लेकिन जिसके पास वोटर आईडी है और नहीं भी है तो वोटर लिस्ट में उसका नंबर है तो ईपिक नंबर वो वहाँ से ले सकते हैं। चलिए अभी वोटर नंबर हम यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ से सिलेक्ट स्टेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा, तो हम दोनों चीज यहाँ पे कर लेते। अभी हम यहाँ पे ईपिक नंबर डाल चुका हूँ, फिर स्टेट सिलेक्ट करूँगा। मेरा स्टेट है असम, तो असम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, फिर सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर। जैसे सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वोटर नंबर है, मेरा वोटर आईडी कार्ड नंबर है और बाकी मेरा नाम है यहाँ पे और यहाँ पे फादर्स नेम है और कहाँ स्टेट किया है और इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये सब चीज़ें हैं। मोबाइल नंबर क्या है ये भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, वो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेट फैसिलिटी कमिंग सून, जल्दी ही आ जाएगा। बाकी लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट कर सकते हैं अगर गलती है तो मोबाइल नंबर वगैरह। तो अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ें दिखाई दे रहा है, प्लीज़ ऑथेंटिकेट यूजिंग ओटीपी वेरिफिकेशन। हमारे को ओटीपी वेरिफिकेशन करना है तो अभी सेंड ओटीपी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्योंकि हमारे को कार्ड डाउनलोड करना है, इसलिए सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देते हैं। एक ओटीपी हमारा मोबाइल नंबर में चला गया, वो यहाँ पे डाल देते हैं। ध्यान दीजिए ये 20 सेकंड ही वैलिड रहते हैं ओटीपी,
हम उससे पहले डाल दिया हूँ और फिर वेरीफाई बटन में क्लिक कर देते हैं। होते भी वेरीफिकेशन हो चुका है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब ये कैप्सा कोड जो है यहाँ पे डालना होगा, तो हम कैप्सा कोड डाल लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड ईपिक ईपिक, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो हम डाउनलोड ईपिक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारा पास ये डाउनलोड होने के लिए आ गया है। जैसे ही डाउनलोड बटन में क्लिक किया तो ये देखिए हमारा डेस्कटॉप में ये डाउनलोड हो जाएगा। अब सेव कर दिया हूँ और अभी हम अगर देखते हैं तो ये ओपन करके दिखाते हैं आपको। और आप देख सकते हैं ये हमारा जो फोटो कार्ड है वो मिल गया है यहाँ पे, और आप इसे प्रिंट आउट निकल के रख सकते हैं। और कोई प्लास्टिक वाला प्रिंट कार्ड में प्रिंट आउट निकलेगा तो आपका वोटर कार्ड भी हो गया। दोस्तों इसी तरीके से आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वोटर आईडी कार्ड है वो अपना लैपटॉप या मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, कैसे आप वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।